मुच्छा है। हेलो दोस्तों, हाय हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी, आई होप आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से आ गए हैं नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज जो हम बताने वाले हैं वो जो चारा है वो बेस्ट निकल के आया है दोस्तों। जैसे कतला मछली है और कॉमन क्रैब, दो मछलियां जो हैं इससे एकदम अट्रैक्टिव होंगी और जल्दी पकड़ में आएंगी दोस्तों। 100% जो है कारगर चारा निकल के आया है जो हम आज आप लोगों को बताने वाले हैं। कतला और कॉमन क्रैब मछली दो मछलियों का चारा है। कभी कभी रोहू मछली भी पकड़ लेती है दोस्तों, ऐसा नहीं है, लेकिन दो मछलियां ज़्यादातर पकड़ में आएंगी आपको, कॉमन क्रैब और कतला मछली। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या हमने इसमें लिया है। सबसे पहले दोस्तों बेसन, जो चना होता है चने को पीस लिया गया है। ये देखिए ये वो है बेसन जिसको हम बोलते हैं दोस्तों। ये जो सोयाबीन होता है दोस्तों, सोयाबीन हमने पीस लिया है, जो हम सोयाबीन सब्जी भी बनाते हैं जिस सोयाबीन की, वो है ये। आप उसको पीस लीजिएगा और कम से कम 2-3 पीस लीजिएगा उसके। और ये है दोस्तों गेहूं का आटा, आपके घर में ही मिल जाता है दोस्तों। तो इन तीन चीज़ों से हम जो है आज चारा बनाने वाले हैं, इससे बहुत कारगर चारा बनेगा दोस्तों। और आप भी देखेंगे कि किस प्रकार से जो है इसको बनाना है, तो मैं बता देता हूँ। आप इनको मिक्स कर लीजिएगा। आटे की जो मात्रा है दोस्तों वो थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा आप, क्योंकि आटा जो होता है दोस्तों बहुत ही बेस्ट रहता है कतला मछली और जो कॉमन क्रैब मछली होती है। ये अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, जैसे मैंने कर लिया है। अच्छे से मिक्स करके अब हम इसमें जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो है हींग का जो पानी, हींग का जो हींग होती है ना दोस्तों, उसमें पहले पानी में भिगो के रखिए थोड़ा सा, और फिर उसमें डालिएगा। अभी जैसे मैं इसमें थोड़ा ये हींग का पानी लिया था मैंने, अभी मैं इसमें थोड़ा सा डाल देता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा मिक्स कर लीजिएगा। और अभी हम इसको थोड़ा चारे की विधि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी हम इसको टाइट बना लेंगे और इसी में से हम जो है चराई निकालेंगे दोस्तों। ये ध्यान रखना है आपको, चराई भी हम इसी में से निकालेंगे, और चराई ले जाना बहुत ही ज़रूरी होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और बहुत सारे शिकारी बताते हैं लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी हो जाता है हमें साथ में चराई लेके जाना। अभी थोड़ा हाँ और हम इसमें जो है पानी ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे से घुल जाए इसके अंदर। ये देखिए ये इस प्रकार से जो है आप भी मिक्स कर लीजिएगा जैसे मैंने कर लिया है। ये देखिए और कितना जल्दी जो घर के अंदर ही आप इसको आसानी से बना सकते हो, दुकान से कुछ भी लेके आने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से जो है घर में ही बना सकते हो। और इसी में से हम चराई भी निकालेंगे, इसी से चराई भी निकलेगी और जो हमारा चारा भी वो भी निकलेगा। और गूंथना जो ज़रूरी है दोस्तों, जितना अच्छा गूंथोगे आप उतना ही अच्छा चारा बनेगा आपका। और मैं हुक में भी लगा के दिखाऊंगा किस प्रकार से आपने हुक में लगाना है। ये देखिए दोस्तों अभी जो है हमने ये टाइट कर लिया है, टाइट होना चाहिए आपका चारा। आप नदी में शिकार करने के लिए जा रहे हो या किसी तालाब में या कहीं पे बद्रो ड्रेन कहीं पर भी जा रहे हो, या चलता पानी है या ठहरा पानी है, चलते हुए पानी के लिए और ज़्यादा टाइट चारा हमने बनाना होता है दोस्तों। और जो ठहरा हुआ पानी है उसमें थोड़ा नॉर्मल भी चल जाता है। अभी ये देखिए हमने जो है जो अपना चारा है वो बना लिया है। और अभी एक चीज़ मैं बहुत ज़रूरी बताना चाहूँगा आपको, ये देखिए इस प्रकार से जो है ये चारा बन गया है। अभी ये हमारा हुक में लगाने के लायक जो है हो गया है दोस्तों। ये देखिए ठीक है। अब ये जो बच गया इसका भी ध्यान देना ज़रूरी है दोस्तों, ये हम चराई के लिए इस्तेमाल करेंगे। बहुत कम शिकारी बता दें आपको कि चराई भी साथ में लेके जाना होता है। ये चराई निकल के आई है आपकी, ठीक है, इसको साथ में ज़रूर लेके जाएं। और जहाँ पर भी आप मछली पकड़ने के लिए जा रहे हो तो इतना इतना करके आप वहाँ पर फेंक दीजिएगा ताकि मछलियाँ इकट्ठी हो पाएँ। और 10 मिनट के बाद जो है अपना हुक में डाल करके आप अपना हुक चारा लगा करके हुक में डाल सकते हो, देखना कितना जल्दी शिकार हो पाता है दोस्तों। और
आई होप आप समझ पाए होंगे जो हम बात कर रहे हैं आपसे। तो इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल पर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर फैलाएं दोस्तों।